दोस्तों स्टैटिक जीके को कवर करते हुए आज हम 60 सेकंड्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। 1885 में इसकी स्थापना होती है और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी और इसके सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1907 सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो पार्टीज में डिवाइड हो जाती है, नरम दल और गरम दल। फिर 1916 जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। गांधी जी का 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो पहला आंदोलन था जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया और तभी से गांधी जी कांग्रेस का फेस बने। 1929 लाहौर में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण स्वराज्य की मांग करी। कांग्रेस का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था जिसे गांधी जी लीड कर रहे थे। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड फॉलो भी कर लें।